सरकार से सरकार ने हम एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ बाहर किए थे, हम भी सरकार के साथ अब दो दो हाथ करेंगे और आने वाला जो बड़ौदा चुनाव है इसमें सरकार को ये बता देंगे कि आपकी जो दमनकारी नीति है बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल हम बड़ौदा चुनाव चुनाव की तरह लड़ेंगे, एक बरादरी से हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम बना के बड़ौदा के अंदर पूरी तरह से तैयारी के साथ ही इलेक्शन जो सरकार लड़ रही है उसके साथ लड़ेंगे और हराने का पूरा पूरा काम करेंगे। सर, जिला प्रधान होने के नाते आपके आज जिला स्तर के दादरी के धरना स्थल पर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? हमने अपनी रणनीति बिल्कुल तैयार कर ली है और हम सरकार के साथ दो दो हाथ अब बड़ौदा में करेंगे। तो यानी कि आपका अब जो अब पड़ाव डालेंगे वो बड़ौदा में रहेगा? बिल्कुल, हमने पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। जिस प्रकार से सरकार ने हम एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ बाहर किए थे, हम भी सरकार के साथ अब दो दो हाथ करेंगे और आने वाला जो बड़ौदा चुनाव है इसमें सरकार को ये बता देंगे कि आपकी जो दमनकारी नीति है बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो सर, बड़ौदा उपचुनाव क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप एक प्रकार से धरने पर बैठेंगे या फिर आप वहाँ पर भ्रमण करके रैली वगैरह निकाल के जुलूस निकाल करके प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, हम बड़ौदा चुनाव चुनाव की तरह लड़ेंगे। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरे बड़ौदा के गाँव की लिस्ट ले ली है और उन प्रत्येक गाँव में हमारे 36 बरादरी के पीटीआई हैं, हमारी 1983 पीटीआई में प्रत्येक बरादरी से हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम बना के बड़ौदा के अंदर पूरी तरह से तैयारी के साथ ही इलेक्शन जो सरकार लड़ रही है उसके साथ लड़ेंगे और हराने का पूरा पूरा काम करेंगे। अगर इलेक्शन से पहले सरकार ने इन 1983 परिवार को दोबारा से समायोजित नहीं किया तो सर, अगर आप हराने का चालिए आप हराएंगे इनको, लेकिन इस बारे में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं फिर? देखो, हम कर्मचारी हैं, हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। हम जो रूलिंग में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, कर्मचारी हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन अब हम जो सत्ताधारी पार्टी है उसका विरोध करेंगे और ये भविष्य बताएगा कि हम मदद किसकी करेंगे। लेकिन बीजेपी और जेजेपी का विरोध पक्का करेंगे अगर हमें इस बड़ौदा चुनाव से पहले एडजस्ट नहीं किया गया तो यानी कि आपका सीधा कारण रहेगा कि बीजेपी और जेजेपी हार जाए, बाकी चाहे सत्ता में कोई भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जिसने हमें बाहर किया तो हम उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी, ओके, धन्यवाद सर।